नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पहले हीट वेव और अब मौसम विभाग ने आंधी बारिश और ओले के लिए इन जिलों को किया अलर्ट। इस्कॉन मंदिर में कल होगी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। लालू प्रसाद यादव फिलहाल नहीं आएंगे बिहार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त मिल सकती है इसी महीने। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पहले हीट वेव और अब मौसम विभाग ने आंधी बारिश और ओले के लिए इन जिलों को किया अलर्ट। बिहार में मौसम ने तेजी से करवट ले लिया है। बिहारवासी एक तरफ जहां मार्च महीने से ही सूरज की तपिश से जल रहे थे, वहीं अब मौसम बेहद ही सुहावना हो गया है। बिहार के मौसम में तेजी से बदलाव आया है। राज्य के करीब 31 जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश ने मौसम को और ज्यादा ठंडा कर दिया है। बिहार में कुछ दिन पहले जहां हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, वहीं अब आंधी और बारिश को लेकर चेतावनियां दी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में 72 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग ने कई इलाकों में आंधी गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। गोपालगंज, सिवान, वैशाली, सारण को छोड़कर उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। माना जा रहा है कि उत्तर बिहार में आंधी के साथ बारिश हो सकता है। कई इलाके में मेघ गर्जन की आशंका भी है। वहीं कई इलाकों में ओले भी पड़ सकते हैं और दक्षिण बिहार में तेज हवा चल सकती है। इस्कॉन मंदिर में कल होगी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। 5 दिन तक चलेगा उद्घाटन समारोह। बिहार की राजधानी पटना में आखिरकार 12 साल के बाद कुल 100 करोड़ की लागत से इस्कॉन मंदिर तैयार हो चुका है और अब बस कल का इंतजार है, जब मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर की खासियत है कि इस मंदिर में 84 कमरे और 84 पिलर बनाए गए हैं। ये मंदिर पटना के बुद्ध मार्ग पर स्थित है। इसमें राजस्थान से लाए गए मकराना का संगमरमर लगा हुआ है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। वहीं कल मंदिर का विधिवत उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा होगा। उद्घाटन समारोह 5 दिन का चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। इसमें कई गणमान्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सकरी धरोड़ा पथ 2 लेन में बनेगा 4 लेन, सफर होगा और भी आसान। नीतीश सरकार ने पिछले 16 सालों में सड़क, हाईवे, 4 लेन, ओवरब्रिज, इन सब चीजों का खास ख्याल रखा है, जिससे लोगों की राहें आसान हो गई हैं। कम समय में लोग लंबी दूरी तय कर पा रहे हैं। इसी कड़ी में अब 2 लेन को 4 लेन बनाने की कोशिश में एक बार फिर सरकार ने यात्रियों को सुविधा पहुंचाने की कोशिश की है। अनियंत्रित ट्रैफिक व्यवस्था, बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के बीच सकरी धरोड़ा पथ को 2 लेन में परिवर्तित करने की योजना पर काम हो रहा है। सकरी से धरोड़ा के करीब 16 किलोमीटर लंबी सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर से बढ़ाकर 7 किलोमीटर करने के लिए पथ निर्माण विभाग के दरभंगा और बेनीपुर प्रमंडल की तरफ से विभाग को विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के साथ ही सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का काम शुरू हो जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर फ्लाई बिग विमान कंपनी की सेवा आज से हुई शुरू। राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा को लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं। मालूम हो कि कुछ महीने पहले पटना एयरपोर्ट पर फ्लाई बिग विमान कंपनी की सेवा की शुरुआत की जाने की बात कही गई थी, जो कि अब हो गई है। लगातार जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए लगातार विमानों की संख्या भी काफी बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में अब फ्लाई बिग विमान कंपनी की सेवा की शुरुआत आज से की गई है। पटना एयरपोर्ट पर हाल के समय में कई बड़े शहरों से सीधी उड़ान दी गई है, जिससे कि बिहार से बाहर जाने वालों को काफी सहूलियत होती है। मालूम हो कि पटना एयरपोर्ट पर इससे पहले एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर और विस्तारा विमानन कंपनी की सेवा दी जा रही थी। इस साल 75 से 80% कम होगा आम का उत्पादन। बिहार में उत्पादित होने वाले आम देश के कई खास लोगों को पसंद है। यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गर्मियों के मौसम में आम का टोकरा राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक को भिजवाते हैं। लेकिन इस साल पड़ी प्रचंड गर्मी ने सभी लोगों के साथ आम के ऊपर भी कहर बरपाया है। बिहार में गर्मी का साफ असर आमों के उत्पादन पर पड़ रहा है। मार्च के महीने में आम मंजर तेज सूरज की किरणों से जल गए और वही हाल हुआ है भागलपुर के मशहूर जरदालू आम का। जानकारी के मुताबिक इस साल करीब 75 से 80% से भी कम आम का उत्पादन होगा। यही नहीं, इस साल आधे से अधिक बगीचे में आम के पेड़ पर मंजर भी नहीं आए हैं और जिस पेड़ पर मंजर आए हैं उसमें से भी आधे से ज्यादा तेज सूरज की किरणों की वजह से जल गए हैं। अक्षरा सिंह सलीम मर्चेंट के साथ जल्द ही शुरू करेंगी गाने की रिकॉर्डिंग। भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह अब जल्द ही बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर सलीम मर्चेंट के साथ नजर आने वाली है। सलीम मर्चेंट और अक्षरा की मुलाकात ने इस बात का इशारा कर दिया है कि दोनों एक धमाकेदार प्रोजेक्ट के साथ आने वाले हैं। आपको बता दें कि दोनों की मुलाकात की तस्वीर अब वायरल हो रही है। दरअसल अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर को शेयर करते हुए अक्षरा ने लिखा कि अगर मुझे इस मुलाकात का वर्णन सलीम मर्चेंट सर के साथ शब्दों में करना होगा तो मैं शुक्रान अल्लाह कहूंगी।
बहुत जल्द आपके साथ रिकॉर्डिंग करने की उम्मीद है। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही कुछ रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अक्षरा ने इसके लिए ग्रेटफुल फीलिंग का भी इजहार किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त मिल सकती है इसी महीने। इस महीने किसानों को खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त इसी महीने मिलने की संभावना जताई गई है। जल्द ही सरकार इसकी राशि ट्रांसफर कर सकती है। मालूम हो कि अब तक केंद्र सरकार किसानों को इस योजना की 10 किश्त दे चुकी है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए आते हैं। अब किसानों को 11वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा है कि 1 मई के बाद कभी भी आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो सकता है। इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-11-55-266 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर 1-55-261 या फिर 011-243-00606 से भी जानकारी ले सकते हैं। आप ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर भी मेल करके योजना से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी किश्त की स्थिति का खुद ऑनलाइन पता भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर लॉगिन करना होगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर किया हंगामा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में छात्रों ने एग्जाम कंट्रोलर के इस्तीफे की मांग को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। इस दौरान गुस्साए छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। ये घटना आज सुबह की है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा नियंत्रक ने पैसों की उगाही की है। छात्रों के हंगामे के कारण यूनिवर्सिटी कर्मियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आक्रोशित छात्र परीक्षा नियंत्रक के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। छात्रों के हंगामे को देखते हुए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार भी बंद कर दिया गया था और पुलिस बल तैनात कर दी गई है। लालू प्रसाद यादव फिलहाल नहीं आएंगे बिहार। लालू प्रसाद यादव अभी बिहार नहीं आएंगे। चारा घोटाले के डोरांडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी मामले में जमानत मिलने के बाद कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव बिहार आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अपनी स्वास्थ्य कारणों की वजह से अभी दिल्ली एम्स में ही भर्ती रहेंगे। फिलहाल उन्हें डॉक्टर ने यात्रा से बचने के लिए कहा है। लालू यादव फिलहाल यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। लालू प्रसाद यादव अपने कानूनी प्रक्रिया पूरी करके जेल से बाहर आ गए हैं। हालांकि उनकी तबीयत अभी भी खराब है और उन्हें अभी एम्स से डिस्चार्ज नहीं किया गया है। राजद प्रवक्ता ने कहा, प्रशांत किशोर की पार्टी से बिहार में राजद पर नहीं होगा कोई असर। देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा बिहार से अपनी अलग पार्टी की शुरुआत करने वाले ट्वीट के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में खलबली मची है। इस बीच राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर बिहार के हैं, चुनावी रणनीतिकार है। कई राज्यों में उन्होंने कई दलों के लिए चुनाव की रणनीति बनाई है। कभी सफल हुए तो कभी असफल भी हुए। सुनने में आ रहा है कि वो पार्टी बनाएंगे। निश्चित तौर पर सबको अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, लेकिन बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव है। राजद पर इसका कोई असर नहीं होगा। सोशल मीडिया के जरिए भाजपा बिहार में बनाएगी बढ़त। भारतीय जनता पार्टी बिहार में खुद के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में भाजपा आम लोगों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। जी हां, और अब इसके तहत आईटी सेल गठित करने और डिजिटल योद्धा तैयार करने पर पार्टी का जोर है और इस काम को अमली जामा पहनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा को दिया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार के सभी पंचायतों में डिजिटल योद्धा बनाएगा। ये योद्धा इंटरनेट के जरिए अपनी पार्टी की नीतियों और योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही विरोधियों के दावे का भी जवाब देंगे। भाजपा इंटरनेट मीडिया पर पहले से भी काफी मजबूत है और हो सकता है कि नई पहल भाजपा की ताकत और बढ़ाएगी। भागलपुर में हवाई सेवा की शुरुआत होने पर लगा ग्रहण। बीते कुछ समय से मीडिया में चल रही खबरों के बाद भागलपुर वासियों को इस बात की उम्मीद जगी थी कि जल्द हवाई सेवा की शुरुआत उनके शहर में होने वाली है, लेकिन हवाई जहाज की उड़ान पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। खबरों के अनुसार विगत 23 अप्रैल 2022 को राइप एयरलाइंस की सर्वेक्षण टीम ने भागलपुर एयरपोर्ट का सिलेक्शन किया था। सर्वेक्षण टीम में रनवे की लंबाई हवाई जहाज उतारने के लिए ठीक नहीं हो पाई थी। इसके बावजूद राइप एयरलाइंस के डायरेक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा ने हवाई जहाज कर ट्रायल करने की बात कही थी, लेकिन कई सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए और एयरपोर्ट पर आधारभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण 3 मई यानी कि कल होने वाले ट्रायल को निरस्त कर दिया गया है। 3 दिन में लगातार घटे कोरोना के मामले। देशभर में सोमवार यानी कि आज जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार 3,157 नए कोविड-19 के मामले मिले हैं, वहीं कुल 26 लोगों की जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार सक्रिय मामले बढ़कर 19,500 हो गए हैं। वहीं रविवार को 44 कोविड से संबंधित जान भी गई है। शनिवार को देश में 3688 नए कोविड मामले और 50 संबंधित लोगों की जान जाने की खबर आई थी। वहीं रविवार को जारी किए गए आंकड़ों में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3324 कोरोना के मिले थे, यानी कि कोरोना के मामले घटे हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशांत किशोर बनाएंगे अपनी पार्टी जन सुराज, शुरुआत बिहार से। बिहार के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत वो बिहार से करने वाले हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर पर ट्वीट करके दी है। मालूम हो कि प्रशांत किशोर ने 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताने में सहायता की थी। प्रशांत किशोर एक सफल रणनीतिकार के तौर पर उभर कर आए हैं। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीति को आकार देने में मदद
चढ़ने की मेरी खोज ने 10 साल के रोलर कोस्टर राइड का नेतृत्व किया और अब मैं इस जिंदगी के पन्ने को पलटता हूँ और उनके मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने के लिए जन स्वराज लोगों का सुशासन के लिए ये हमारे लिए जनता जनार्दन लोगों के पास जाने का समय है। शुरुआत #बिहार से। उमरान ने डाली इस सीजन की सबसे तेज गेंद। बीते दिन डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद मुंबई के एमसीए स्टेडियम में आमने सामने भिड़ते देखे गए, जहां चेन्नई ने 13 रनों से यह मुकाबला जीत लिया। हैदराबाद भले ही इस मैच में हारी थी हो, लेकिन हैदराबाद के तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। सनराइजर हैदराबाद के तेज गेंदबाज उमरान मलिक आईपीएल के 15वें सीजन में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। वो इस सीजन में 4 और 5 विकेट लेने का कारनामा भी कर चुके हैं। आईपीएल का 46वां मुकाबला उमरान मलिक ने एक बार फिर अपने बुलेट रफ्तार से फैंस का दिल जीत लिया। इनके पास लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंदबाजी करने की क्षमता है। चेन्नई के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उमरान 19वें ओवर में 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते देखे गए, जो इस सीजन की अभी तक सबसे तेज गेंद मानी गई है। इसी के साथ उन्होंने सीजन की सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है वैद्यनाथ ठाकुर, शंकर मुखिया, नुन्नू कुमार, महेश दास, सुनील कुमार सिंह, कौशलेंद्र कुमार, दीना कुमार, मृत्युंजय कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, प्रशांत किशोर की पार्टी बन जाने से बिहार के अन्य राजनीतिक पार्टियों पर असर पड़ेगा या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।